हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको शलवार बेल्ट वाली शलवार की कटिंग बताएंगे। हमारी शलवार की लंबाई है 39.5। हम इसमें से 6 इंच माइनस करेंगे बेल्ट के कपड़े बेल्ट के लिए। 1 2 3 4 5 6 33.5। अब हम इसमें ऊपर मार्जिन बेल्ट जोड़ने के लिए और नीचे मोरी के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेने के बाद हमारी टोटल लेंथ आई 35 इंच। अब हम इसको कपड़े को 35 इंच डबल फोल्ड में लेंगे। 35 इंच ऐसे हम 35 इंच यहाँ से नापेंगे। इस कपड़े को हम अलग कर देंगे। इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे, इसे अलग रख देते हैं। हमारी मोरी शलवार का पहुंचा जो है वो 7 इंच का है, हम इसे 7 इंच में फोल्ड करेंगे। ऐसे 7 इंच फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी कली फोल्ड करेंगे, इसे ट्रायंगल में इस तरह से रखेंगे। हमारा यहाँ से 1 इंच मार्जिन होना चाहिए और इधर से 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच हमारा इधर से मार्जिन होना चाहिए। इसको इस तरह से रखकर कट कर लेंगे। इस जॉइंट को अलग कर देंगे और इसे उठाकर ऐसे रखेंगे। सीधा मिलाएंगे और ये कपड़ा जो हमारा ऐसे हो रहा है इसको ऐसे रख देंगे। अब हम इसका आसन काटेंगे। 5.5 इंच इसकी लेंथ हम 5.5 इंच लेंगे और ऐसे स्ट्रेट कट कर देंगे। और ये पट्टी हमारे ऐसे डल जाएगी। सिक्स इंच की बेल्ट चुनने के बाद हमारा टोटल आसन 15.5 आएगा। 1.5 इंच मार्जिन स्टिच में जाएगा। इसको जॉइंट को हम कट कर देंगे। ये कपड़ा हमारा उल्टा है इसलिए क्रॉस का निशान लगा देते हैं। अब हम बेल्ट निकालेंगे। हमारी बेल्ट हिप के अकॉर्डिंग काटी जाएगी। हमारी हिप है 36 में हम 10 प्लस करेंगे 46 का हम हाफ करेंगे 23। हम इस बेल्ट को 23 करेंगे लेंगे। 23 में हमारा 1/2 इंच मार्जिन इधर जाएगा और 1/2 इंच इधर से। इसमें हम थोड़ा सा जॉइंट लगाएंगे। बेल्ट की जो हमारी लेंथ होगी वो 6 इंच है। 2 इंच हम ऊपर फोल्ड लेंगे, 1/2 इंच नीचे स्टिच में जाएगा। तो हो गया ये 8.5 इंच। 8.5 इंच की हम लेंथ काटेंगे। इसमें हम कुछ इंच का ही कपड़ा डालेंगे।
ये हमारा डबल फोल्ड में आ जाएगा। तो हमारी टोटल लंबाई 23.5 बनी। शलवार की मोरी के लिए कपड़ा लेंगे। हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट होगी।